देखो, जैसे कहा है कि स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर आर बेसिकली यूज्ड इन लैब्स या हमारे प्रैक्टिकल्स में फॉर मेजरमेंट ऑफ, जैसे स्क्रू गेज किसके मेजरमेंट के लिए यूज होता है, स्मॉल डायमीटर्स ऑफ वायर या स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जैसे बॉल बेरिंग के अंदर जिसको अपन छर्रे कहते हैं, दैट स्मॉल बॉल्स, या वायर का आउटर डायमीटर, या फिर छोटा क्यूब रहेगा तो उस क्यूब की साइड्स, ये सब स्क्रू गेज के थ्रू मेजर कर सकते हैं। वही वर्नियर कैलिपर कहाँ पर यूज होगा? सो वर्नियर कैलिपर ऑब्जेक्ट का थिकनेस मेजर करना है, ठीक है, यहाँ पर भी डायमीटर आप मेजर कर सकते हो, या फिर शेल्स एंड पाइप, इनके इंटरनल एंड आउटर डायमीटर आपको मेजर करने हैं तो उनके लिए हम इनको यूज करेंगे। क्या एडवांटेज है इनका मेनली? सो इनका मेन एडवांटेज है, इनके थ्रू प्रिसीजन बढ़ता है। प्रिसीजन मतलब आपको पता है, इट्स डिटेलनेस ऑफ मेजरमेंट। अब देखो, क्या एक डायग्राम दिख रही है क्या? यस सर तो दिस इज वर्नियर कैलिपर। अब देखो, यहाँ पर नोमेनक्लेचर दिया है, ये जो वन एंड वन है, दिस इज कॉल्ड एज जॉ, आउटसाइड जॉ। इसके अंदर आप जब आउटर डायमीटर मेजर करना है तो इसको यूज कर सकते हो, थिकनेस अगर मेजर करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये टू, दिस इज इनसाइड जॉ, मतलब क्या? तो अगर आपको किसी की एखादे कंटेनर का इनसाइड डायमीटर मेजर करना है तो आप उसको इस प्रकार से रख सकते हो। सो इनर साइड आप इस प्रकार से मेजर कर पाओगे, ठीक है? यही इसकी आउटर साइड मेजर करनी है या आउटर रेडियस? तो ये इस प्रकार से रखोगे। इनसाइड मेजर करना है तो ये टू को यूज करोगे, ठीक है? देन देखो, सर ये तीन को आप डेप्थ मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हो। एक आधे कंटेनर की डेप्थ मेजर करनी है तो वहां पर ये पार्ट इंसर्ट कर देना। सो आउटसाइड जॉ, इनसाइड जॉ एंड डेप्थ प्रोब, इसके थ्रू आप अलग अलग डिवाइसेस के मेजरमेंट में इसे यूज कर पाओगे। फिर ये चार जो है ना, ये 0 से लेकर 17 आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेन स्केल। अब मेन स्केल पर नीचे ये सेंटीमीटर दिख रहे हैं एंड ऊपर इंचेस दिख रहे हैं। सो दोनों प्रकार के मेजरमेंट पॉसिबल है। देखो, फोर्थ कहा है सेंटीमीटर स्केल इन सेंटी सॉरी मेन स्केल इन सेंटीमीटर, और पांच जो कहा है ऊपर वाली, मेन स्केल इन इंचेस। फिर ये जो दिख रहा है ना, ये 1/128 एंड दिस इज 1/20, सो दिस 6 एंड 7 ये मिलाकर बनती है वर्नियर स्केल। नीचे वाला पार्ट है सेंटीमीटर में, ऊपर वाला पार्ट है इंचेस में। और यहाँ पर क्या होता है, आप इसे फिक्स कर सकते हो, सो दैट एक बार इसे फिक्स कर दिया कि ये लॉक कंडीशन में आ जाएगी और फिर इसका मोमेंट नहीं होगा। अब देखो, यहाँ पर कुछ तो 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसका मतलब इसको जब कैलिब्रेट किया गया, जब मेजरमेंट लिए गए, इनके ऊपर जब मार्किंग किए गए हैं, दिस इज एट 20 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आपको पता है, अगर सेम डिवाइस कैन बी यूज्ड एट हायर टेम्परेचर, तो ये मेटल का है तो ये एक्सपांड होगा, ठीक है? क्लियर? यस ओके। सर सर हाँ बोलो, बोलो
बोलो। सर अगर किसी स्पीयर का इनसाइड जो मतलब अंदर का डायमीटर का मेजर करना रहा तो स्पीयर सॉलिड है या कैसा है? वो सॉलिड ही है। हाँ सॉलिड है तो उसके अंदर आप कैसे डाल पाओगे? उसको सर तो वही तो पूछ रहा कट करना अगर। पड़ेगा फिर, तो हाँ कट करो। अच्छा देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है? अभी हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बट लेजर या इस प्रकार के टेक्निक से एक्सरे के थ्रू आप उनको मेजर कर सकते हो। देयर आर सर। टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में उसको एक्चुअली तोड़ना पड़ता है, ठीक है? अभी जो अपन करेंगे वो सिर्फ ये शेल वगैरह के लिए लिमिटेड रहेगा। आपका टेनिस का बॉल फूटने के बाद आप उसकी थिकनेस या डायमीटर मेजर कर सकते हो, या 1000 का सैंपल आ गया उसमें से एक के कट करो और उसका मेजरमेंट ले लो तो भी चलेगा, ठीक है? अब सर देखो, अब इसका मेन पार्ट है उसको अपन समझ लेंगे। डिवाइस तो ध्यान में आ गया, अब आपको ध्यान में आ रहा है कि ये ऊपर कुछ ना कुछ 1 सेंटीमीटर वाली स्केल है और नीचे ये दूसरी स्केल है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलो यहाँ पर ही करेंगे। ये अगर हमारी मेन स्केल है रेड वाली और ये वर्नियर स्केल है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसके कुछ डिविजन्स, सपोज इसके 9 डिविजन है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और 9। ठीक है, सो ये 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, इसको आप इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्नियर स्केल है ना, इसको 10 डिविजन्स में ब्रेक करते हो। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है? बस यहां पर अपना काम खत्म। यहां से फर्क कैसे पड़ेगा देखो, ठीक है? अब देखो क्या यहाँ पर क्या है, ये हमारी मेन स्केल फिक्स है और वर्नियर स्केल मूवेबल है। मेन स्केल इज फिक्स, वर्नियर स्केल इज मूवेबल। अब देखो मेन स्केल के 9 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, क्या सही है? ये मेन स्केल के 9 डिवीजन, इसकी वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, तो 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 9 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो पॉइंट 0.9 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर एक डिवीजन की है, तो 9 डिवीजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस सर 0.9 सेंटीमीटर। अब दिस 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, सो वर्नियर स्केल के एक डिविजन की वैल्यू कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। अरे वर्नियर स्केल पर, ये तो मेन स्केल पर है ना, मेन स्केल का एक डिविजन
इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, सो 9 डिविजन्स हो गए 0.9 सेंटीमीटर पे। बट अभी क्या कहा है, 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल आर डिवाइडेड इनटू 10 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। इसका मतलब क्या, 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल मतलब कितना, 0.9 सेंटीमीटर। क्या सही है? इसको आपने कितने डिवीजन में ब्रेक किया है? 10। मतलब एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ गई, 0.09। अब देखो अगर ऐसा है, सो इसका लीस्ट काउंट लिखने का दूसरा तरीका है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। कितना हो जाएगा ये वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, 0.9 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितना आ गया ये, 0.01 सेंटीमीटर। इसको शायद से उस दिन हमने इस फॉर्मूला से लिखा था, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल विच इज 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। याद है ये आंसर भी 0.01 आता है। क्या इतना पार्ट समझ गया, क्या बोलो? देखो कुछ भी नहीं किया है, आपको क्या कहा है समझ लेते हैं इसको। मेन स्केल के 9 डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल का एक डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर का, सो 9 डिवीजन हो जाएंगे 0.9 सेंटीमीटर के। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, इन 9 डिवीजन को 10 डिवीजन में ब्रेक किया है। ये अगर 0.9 सेंटीमीटर है तो इसमें हमने वर्नियर स्केल पर 10 पार्ट्स किए हैं, सो वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू आ गई 0.09। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल, या लीस्ट काउंट का दूसरा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये आंसर आ गया 0.01। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। सो देखो ये मेन स्केल का डिवीजन है 0.01 का, ये दूसरा है, ठीक है। ये तीसरा है, मैं जानबूझकर इनको दूर दूर दिखा रहा हूं। अब मैं वर्नियर स्केल के डिवीजन ड्रॉ करता हूं। इससे थोड़ा छोटा, ठीक है। सो देखो जब यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, ये पीछे आएगा। अब ये पीछे आएगा तो ये पीछे आते आते हम ये वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन ऊपर वाले डिवीजन के साथ एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है ये देखते हैं। देखो बरे यहाँ पर क्या ये 0 ऊपर वाले मार्क के साथ कोइंसाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या ये 1 हो रहा है, नहीं। कौन हो रहा है जरा देखो तो, कौन एग्जैक्टली कोइंसाइड हो रहा है,
फोर हो रहा है, एट हो रहा है या सिक्स हो रहा है? सर फोर, फोर कहाँ कौन साइड हो रहा है, देखो ना, सिक्स, देखो ये फोर, फोर ये मार्क यहाँ पर है, नीचे वाला डिवीजन देखो बाजू में है, ये कोइंसाइड नहीं हो रहा है, जो डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है यू विल रियलाइज और एट, सिक्स कोइंसाइड हो रहा है, एट नहीं, देखो सिक्स अगर कोइंसाइड हो रहा है तो एट डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है, तो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि सिक्स कोइंसाइड होगा, ठीक है, अब सिक्स कोइंसाइड होगा इसका मतलब क्या है हमें ध्यान में आ जाएगा, सो बेसिकली हम इस प्रकार से कोइंसाइडिंग डिवीजन ढूंढते हैं, शुरुआत में क्या किया हमने, ये शुरुआत की कंडीशन ऐसी रहेगी, क्या ठीक है, जीरो जीरो को इनसाइड हो रहे, ठीक है, अब मैंने ना इसको थोड़ा सा पीछे लाया, थोड़ा सा इतना पीछे लाया कि नाउ दिस डिवीजन वन इज को इनसाइडिंग, अब समझ लो हाँ ये एग्जैक्टली को इनसाइड भले ही नहीं हो रहे पर ये को इनसाइड हो रहे, ये टू एंड थ्री आर नॉट कोइंसाइडिंग राइट नाउ, क्या सही है क्या? Yes, sir. टू भी कोइंसाइड नहीं हो रहा है, थ्री भी कोइंसाइड नहीं हो रहा है, सो अभी एक्चुअली हमने जो मेजरमेंट किया है ना वो मेजरमेंट ये इतना मेजरमेंट है, ये कितना है, ये मेरी ऊपर वाली मेन स्केल है, नीचे वाली वर्नियर स्केल है, इसकी वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 0.09 सेंटीमीटर, सो मैंने जो मेजरमेंट किया वो कितना है, 0.1 माइनस 0.09, ये वाला क्या सही है क्या? देखो yes, sir. एक सेकंड, हाँ देखो क्या कह रहे हैं हम, शुरुआत में क्या कंडीशन थी, ये जीरो जीरो मार्क थे, फिर हमने क्या किया, हम मेजरमेंट कर रहे इसलिए वर्नियर स्केल को पीछे किया, पीछे किया तो एक स्केल यहाँ पर आ गई, डिफरेंस ध्यान में आ रहा है, अभी स्केल सामने थी अभी स्केल पीछे आ गई, ठीक है, फिर हमने देखा कि अरे अभी हमारा पहला डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, मतलब अभी जो मेजरमेंट हुआ है वो ये 0.09 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, ये 0.01 सेंटीमीटर का मेजरमेंट है, ओके सर ध्यान में आ गया, सो इस प्रकार से सर फिर जब दूसरा कोइंसाइड होगा तब क्या होगा, बिल्कुल समझ लेते हैं, देखो जब दूसरा कोइंसाइड होने वाला है ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट कोइंसाइड हुआ, ये कोइंसाइडिंग है, देखो अब ये मेन स्केल की लेंथ कितनी है, इसके दो डिवीजन मतलब कितने हो जाएंगे, 0.1 का एक प्लस आगे 0.1 कितना हो जाएगा, 0.02, ठीक है, ओके, अब ये वर्नियर स्केल की लेंथ कितनी है, 0.09 प्लस 0.09 कितना हो जाएगा, 0.18 0.18
मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? जीरो पॉइंट टू जीरो माइनस जीरो पॉइंट वन एट, ये डिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो टू. सो ग्राफिकली जस्ट बाय ऑब्जर्विंग विच डिविजन इज कोइंसाइडिंग, आप ये छोटा सा मेजरमेंट कर पाओगे क्या आपने एक्चुअली इस स्केल को इतने छोटे डिवीजन में डिवाइड किया है क्या, 0.01 या 0.02? नहीं, आपकी मेन स्केल कितने पार्ट की है? 0.1 सेंटीमीटर का एक डिवीजन, क्या सही है? वर्नियर स्केल का कितना है? 0.09. बट व्हाट यू आर एबल टू मेजर? 0.01, 0.02. So, इस प्रकार से आपका लीस्ट काउंट स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट ये हो गया 0.01. वो किस प्रकार से कर रहे हो आप? आप एक्चुअल देख रहे हो मेन स्केल का रीडिंग और दूसरा पार्ट सिर्फ देखने वाले हो कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, इतना ही देख रहे हो. इन शॉर्ट में आपने आंखों को बहुत ज्यादा तकलीफ दिए बिना आपकी प्रिसीजन मतलब डिटेलनेस ऑफ मेजरमेंट बढ़ा दिया. क्या आया क्या ध्यान में? आप एक्चुअली ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो क्या? नहीं सर, हम तो सिर्फ इतना देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट कोइंसाइड हो रहा है, और ये देखना आसान है. इसके बीच की गैप आप देख पाओगे क्या? ये दो नंबर के बीच की गैप मेजर कर पाओगे क्या? वो पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आप जस्ट इतना कौन सा डिवीजन कोइंसाइड है ये देखकर आपने आपका प्रिसीजन बढ़ा दिया. क्या मेजरमेंट का प्रिंसिपल ध्यान में आया क्या? इसके एक्चुअल मेजरमेंट कैसे करना मैं बताऊंगा, पर प्रिंसिपल ध्यान में आया क्या? ये जो हमने स्केल को आगे पीछे किया था ना, दैट वाज प्रिंसिपल. इसके आगे की स्टेज देख लो, अगर अपना तीसरा डिवीजन कोइंसाइड होगा तो क्या होने वाला है? अब तीसरा कोइंसाइड हो गया, कौन सा? तीसरा डिवीजन, मतलब हम यहां पर आ गए, क्या सही है? यस सर. अब आप बता दो अब कितना मेजरमेंट करने वाले हैं? 0.3. ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 0.03. एक्चुअली इतना बारीक मेजरमेंट आपको करना है क्या? नहीं, आप सिर्फ ये देखने वाले हो, आप सिर्फ मेन स्केल का रीडिंग देखने वाले हो. जैसे इस स्केल में अभी जो स्केल सामने दिख रही है ना, यहाँ पर मेजरमेंट क्या रहेगा? तो ये जीरो मार्क है ना हमारा वर्नियर स्केल का, ये कहाँ पर है देखना. सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और उसके आगे 1, 2, 3, 4. सो 2.4 ये हमारा रीडिंग रहने वाला है मेन स्केल का. लगे तो मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, एक मिनट रुको. देखो मेन स्केल का रीडिंग कितना है ध्यान में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है क्या? ये 2 है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. ये हमने मेजर कर लिया. अब आप क्या देखने वाले हो? ये जो छोटी सी गैप है ना, इसका मेजरमेंट भी आप करने वाले हो. ये कैसे करने वाले हो? अभी जो प्रिंसिपल समझा उसके थ्रू. क्या आया ध्यान में?
सो देखो एकाधे क्वेश्चन में हम एक्चुअल रीडिंग कैसा मेजर करने वाले एक बार बताता हूं। एक्चुअल रीडिंग या एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट कैसे निकालना अभी आपको पता चल गया, पता चला है। मेन स्केल रीडिंग जैसे नॉर्मली आप देखते हो वैसे देखना, वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच कोइंसाइड्स विथ मेन स्केल। क्या सही है? वर्नियर स्केल का डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होता है उसको आपको देखना है। yes, क्या एक क्वेश्चन करके समझ ले इस पूरे सिस्टम को? यस सर। ओके चलो, तो देखो हमें क्या कहा है, हमें कहा है कि इस बॉल का डायमीटर यूजिंग वर्नियर कैलिपर बता दो। सो हमें पता है एक्चुअल रीडिंग होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। लीस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर स्केल का या वर्नियर कैलिपर का? वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन या वन मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। अब देखो आपको मेन स्केल पर 1 MSD मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 1 mm दैट इज 0.1 सेंटीमीटर कहा है। सो 1 MSD की वैल्यू आ गई 0.1 सेंटीमीटर। अब 1 वर्नियर स्केल के डिवीजन की वैल्यू कितनी आएगी? तो देखो हमें दिया है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। एक डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, 9 की वैल्यू हो जाएगी 0.9 सेंटीमीटर। सो डिवाइडिंग बाय 10 टू बोथ साइड ये आ जाएगा 0.9 अपॉन 10 मतलब 0.09 सेंटीमीटर। सो ये लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 सेंटीमीटर माइनस 0.01 सेंटीमीटर 0.09 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा रीडिंग आ जाएगा 1 VSD 09 है ये, सो 0.01 सेंटीमीटर। यही वैल्यू यहां से भी आएगी 0.1 MSD नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10, सो ये भी 0.01 आ जाएगा। बस लीस्ट काउंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके आगे क्या करना? सो वर्नियर स्केल का जीरो देखना, उसके पहले का कंप्लीट रीडिंग देखो। सो देखो ये जीरो 2 और 3 के बीच में है, इसलिए मेन स्केल रीडिंग रहेगा 1.2। लीस्ट काउंट है हमारा 0.01 एंड वर्नियर स्केल का रीडिंग अभी देखा हमने कोइंसाइडिंग डिवीजन है 7 कोइंसाइड कर रहा है। So, इसे कहते हैं VSD। सो ये आ जाएगा 1.20 प्लस 0.07, आंसर आ गया 1.27 सेंटीमीटर। काम खत्म। सो दस वर्नियर कैलिपर कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट। क्या सही है?